भी हो रही है। यासिर आए कब थिएटर में, पता था किया आपने, फिर उससे पहले कैसे कैसे? मैंने 2000 अगर उस तरह से देखें तो 2015 में पहली फिल्म की थी कराची से लोहा, वो था, या मैंने दरीचा ड्रामा किया था आई थिंक 2012 में PRY का, मोहम्मद अहमद साहब ने लिखा था, एक्टिंग फैज ने डायरेक्ट किया था। हाँ जी डर गई है मुझसे अभी, अब नहीं बोलेगी मैंने तो सच बोल तो दिया। देखो मेरा है रोब, ये तो मैं अंदाजा नहीं आता पहली फिल्म तक तो आप भी बहुत मासूम थे, जो आपकी पहली फिल्म थी उसके बाद वो जो ज्वालामुखी यासिर में से निकली, वो कहाँ से निकली, सबको कुछ ना कुछ ही बोल देते हैं। और क्या देखे आप, ये वही इमेज मेरी बना दी ऐसी, और ये क्या बोला भी है यार, मैं माइंड नहीं कर रहा। जैसे क्या बोला निला है ना, निला इनके साथ मैंने जब भी बात की है, लास्ट हमारी डिस्कशन हुई ट्रैवलिंग के बारे में, मैंने कहा मैंने कहा कितनी स्मार्ट औरत है, और इमेज क्या है, ये है मीडिया, एक बंदी है, हम खुद भी पास ही लगाए समझ उन्होंने मुझे बताई। अच्छा नहीं मसला आपके लिए लास्ट जो मीम बनी, अब मेरा भी यही सीन है, मुझे लोग मिलते कहते हैं कितना स्वीट आदमी है, क्या हेल्प करते हैं आप लोगों की, सारे न्यू कमर्स इन्हीं के नाम ले रहे हो। नहीं पॉजिटिव यासिर को देख के पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तीन चार जो है ना मेरी वो कंट्रोवर्सी ना, अब आप ना हर एक्टर की उसको गूगल करो कि कंट्रोवर्सीज देखें, मुझसे ज्यादा है बट इमेज मेरी बनी हुई है, बट आई डोंट माइंड इट, मुझे इससे मसला नहीं है, सिवाय इसके कि शायद मे बी कोई ब्रांड डर जाते हो कि यार बड़ा कंट्रोवर्शियल है, और इसके अलावा कोई नुकसान नहीं है मुझे। ये आजकल ये वाला काम होता है, आप किसी भी जगह जाए तो कई जर्नलिस्ट आपको एंटरटेनमेंट के मिलेंगे जिन्हें पता ही नहीं होता कि आपने क्या क्या किया हुआ है, वो आपसे वो वाले सवाल पूछो, अच्छा तो फिर आपने कितने ड्रामे किए, ये तो आपको पता होना चाहिए, और इससे आगे की बात करनी चाहिए आपको, आप मुझे बिल्कुल बेसिक पूछ रहे हैं सवाल कि आपने कितने ड्रामे किए। क्रिकेट का नहीं पता बिल्कुल भी हम दोनों को, क्या हम देखते ही नहीं हैं, चाय आ गई, चाय भी कितनी चीनी लेंगे, मैं चीनी में चाय आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, सुना है पुलाव, मेरे घर वाले बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो पुलाव तो बड़ा अच्छा आपने बनाया है, हाँ पुलाव सही बन जाता है मुझसे, है ना। अच्छा आप अक्सर मैं जगहों पे जाता हूँ तो मुझे कहते हैं आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, मेरे घर वाले कहते हैं तुम हमें तो कभी बनाते नहीं हो, इसके लिए बनाते हो तुम ये खाने, तो घर में नहीं बनाते यासिर, घर पे बात समझ में आएगी, यासिर ने कोई भी चीज थोड़ी की है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, कंट्रोवर्सीज में भी और खाने में भी, हम ये बनाया बंदे से पुलाव और सब कम काम करें ना तो ज्यादा नजर आता है, क्वालिटी नजर आता है, लेस इज मोर। हाँ, ये तो नहीं, ये भी हो सकता है कि आपकी पहली कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो कि उसके बाद कोई भी बंदा कुछ भी कहे तो लोग बोलेंगे यार ये बात इससे किसी ने कही होगी।